गरीब होता है जिसको शाम को रोटी ना जले, चूल्हा ना जले, और शाम को रात को कमाई सुबह खाए, वो गरीब होता है। गरीबी का स्तर इतना नीचे लेके जाओगे तुमके चूल्हा ही ना जले उसका, तब वही तो गरीब होता है। मैं गरीब मैं कह दूं, गरीब हूँ मैं कह दूं, गरीब हूँ मतलब कपड़े जो पहनता वो गरीब नहीं होता। मेरे हाथ में 50 मोबाइल जिसके पास है वो गरीब नहीं होता। देश में गरीब है कि नहीं है ये बताओ। भाई गरीब तो हैं, लेकिन मात्र 2% 1% है और बाकी दिखावे की गरीब। तो सरकार जो कह रही है वो झूठ बोल रही है, फिर मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे भैया? 80 करोड़ लोगों को वो राशन दे रहे हैं गरीबों को, लेकिन वो दे रहे हैं वो, हम जैसे आप जैसे इन जैसे बनकर कह रहे हो आप गरीब नहीं हो। गरीब नहीं हूँ मैं, बन के ले रहा हूँ। आप झूठे हो फिर, काहे के झूठे भैया? गरीब बन के ले रहे हो? मैं तो नहीं ले रहा हूँ, अभी तो कह रहे हो आप। हम जैसे जैसे हमारे सनातनी धर्म हिंदू देव सनातन हो गए, अब से है ये सनातन। ये तो बहुत जमाने से है, किसी को पता नहीं था। तुम अब 2014 के बाद पता चल गया, उससे पहले 2014 से पहले नहीं पता सनातन धर्म। आप तो भजा मुर्गा जाल के अंदर काहे के फंसा है यार। सोच निकालो, मैं गलत सोच नहीं हूँ, मैं गलत वाली सोच कहा था कि इसमें सब हिंदुस्तानी हैं, सब देशवासी हैं। हिंदुस्तानी कुछ हैं, कुछ नहीं है, कुछ कहा था। अभी तुम यहाँ पे कह दो पाकिस्तान जिंदाबाद, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, मैंने सुनता हूँ अपने कानों से, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलता। चल भैया उसकी मर्जी है, मैं तुम्हें तो बोलना चाहिए, तुम तो कह रहे हो पावरफुल आदमी मैं हूँ। एक बंदे पे हमेशा पाऊं ताकत, पावरफुल से कोई मतलब नहीं है इस देश का। देखो संविधान लागू है, सबको बराबरी का अधिकार है, किसी के 1% आबादी है उसको भी उतना ही अधिकार है, किसी के 99% आबादी है उसको। लागू था लेकिन संविधान को दबाने वाले भी तो हैं। काहे को लेकर परेशान? घर रोजी रोटी के लिए परेशान और क्या। जिनको फ्री में सिलेंडर दिया था उनका सिलेंडर खेतों में पड़े हुए हैं, वो भरवाना पड़ रहा है गैस, इतनी महंगी गैस हो गई है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। हाँ वो तो मोदी भी जाएगा। बजा मोदी काम अच्छा किया। तो अभी कह रहे हो कि कुछ नहीं किया, गरीबों के लिए नहीं हुआ लेकिन होगा। किसके लिए कराना चाह रहे हो? अमीरों के लिए कराना चाह रहे हो? अमीरों को कुछ नहीं करे, अमीर का हमें क्या लेना, हम तो गरीब है। देश के लिए अच्छा किया। क्या अच्छा किया? देश के लिए बहुत नाम किया, देश का नाम तो हुआ। देश का नाम क्या? अबे जब बहन को पेट की रोटी ना होगी तो भूखे मरोगे। हर हर मोदी, घर घर मोदी। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर हम जनता के बीच में जा चुके हैं और ये जगह है गाजीपुर मंडी। यहाँ पर लोगों से जानेंगे कि मौजूदा सरकार किस तरह से काम कर रही है, खासकर किसानों का कितना ख्याल रखा जा रहा है, क्या आमदनी दोगुनी हुई है, जो बेरोजगारी है या महंगाई है उसको लेकर जनता के मन में क्या सवाल हैं। जी क्या नाम हुआ सर आपका? सुनील कश्यप। सुनील कश्यप जी, बढ़िया चल रही है सरकार? अब सरकार तो जैसी चल रही है वैसी चली रही है, लेकिन गरीब आदमी परेशान है भाई। अच्छा, हाँ काहे को लेकर परेशान? घर रोजी रोटी के लिए परेशान और क्या। रोजी रोटी राशन मिल तो रहा है मोदी से? राशन मिल रहा है, उससे क्या होता है, राशन राशन से क्या होता है, जिसको मिल रहा है उसको मिल रहा है, जिसको नहीं मिल रहा उसको नहीं मिल रहा। क्यों नहीं होगा 5 किलो राशन से या परिवार चल रहा है? अरे भाई खुश है, 5 किलो राशन से सब्जी थोड़ा बन जाएगी, तेल थोड़ा आ जाएगा। 5 किलो राशन से क्या क्या करेगा आदमी, वही राशन खाली उस पे गैस पे चढ़ा के बन जाएगा राशन, उसके लिए और भी तो खर्चा। इधर 1200 का सिलेंडर कर दिया, क्या फायदा है? जो सिलेंडर 350-400 रुपए का था वो 1200 में भी तो दिया था सिलेंडर, फ्री में उज्ज्वला वालों को दिया था, हमें ना दिया था, सबको ना दिया था। जिनको फ्री में सिलेंडर दिया था उनका सिलेंडर खेतों में पड़े हुए हैं, वो भरवाना पड़ रहे हैं गैस, इतनी महंगी गैस हो गई है। दोबारा सही बात है, हकीकत बात है, मतलब दोबारा उन्होंने भरवाई नहीं है, पैसे ही नहीं उनके पास, पैसे ही नहीं है भरवाने के लिए। अब 1200 रुपए 1100 रुपए देंगे जाके, जब फ्री मिल गया तो एक बार जला लिया। आज पर मैं कह रहा अच्छे दिन आ गए, आप कह रहे हैं कि अच्छे दिन आ गए, जिनके आ गए होंगे भाई, जिनके आए होंगे उनके आए होंगे। कहा था ना अच्छे दिन आने वाले, वो तो उन्होंने बहुत कुछ कहा था, उसमें आधा भी कहाँ हुआ, कुछ हो जाए काम, बोलने बोलने थोड़ा होता कुछ। मोदी जी से बोल रहा हूँ, बोल दो 2-2 लाख 3-3 लाख गरीबों को दे दें, हो जाए उन लोग का काम। अभी अभी सर ये रिक्शा है ये हाईवे पे चढ़ाना बैन कर दिया, बताओ क्या मतलब है? अभी ये कंपनियां बना रही उनको बोलो ना ये ना बनाए, 5 नंबर वाले बंद कर देते हैं। कंपनियां क्यों बना रही इनको, उनको बोलो। अब कह रहे रिक्शा यहाँ नहीं जाएगा वहाँ नहीं जाएगा, बताओ कहाँ जाएगा फिर, कहाँ चलाएं, कहाँ चलाएं? अभी हम लोग सब्जी लेके जाते हैं तो ये आरटीओ पुलिस वाले यहाँ रोक लेते हैं, कोई 1000 रुपए मांगता है, कोई 500 रुपए मांगता है, जब छोड़ते हैं। भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ? कहाँ खत्म हुआ, मोदी सरकार में। अभी आपको दिखाएंगे चल के गाजीपुर की मंडी की, निकलोगे ना 2 दिन पुलिस वाले खड़े हैं, वो गाड़ी रोक रहे हैं, पैसे ले रहे हैं सबसे, पैसे नहीं दो तो कहते चलो भाई गाड़ी तुम्हारी बंद हो जाएगी। अब बताओ हम लोग इतना कमाते हैं क्या, जो हम ये गाड़ी
5-6 रुपए कमाते हैं पूरे दिन में, और हम उनको 600-700 रुपए 1000 रुपए तक ले लेते हैं। अच्छा, अब बताओ पूरे दिन में कोई बेचारा किराए की गाड़ी चला रहा, कोई कैसे चला रहा, जैसे तैसे आदमी गाड़ी ले पाता है किस्तों पे लेके। और ये पुलिस वाले हैं वो तो ये समझते हैं जो ये तो हराम की कमाई खा रहे हैं, कहीं गाड़ी कहीं स्टैंड पे गाड़ी लगा लो तो वहाँ डंडा मार के भगाते हैं। देश सुरक्षित वहाँ बॉर्डर पे है ना, हम तो मर रहे हैं ना यहाँ पे, बॉर्डर पे सुरक्षित करा होगा, लेकिन यहाँ तो जरूरी है ना। अब हम लोग गरीब लोग कैसे जी रहे हैं, कैसे खा पी रहे हैं, ये भी तो उनको देखना चाहिए। ये पुलिस वालों का क्या मतलब है भाई, जो टिहरी वालों को रोकते हैं, भाई तुम यहाँ क्यों चला रहे, वहाँ क्यों चला रहे, और क्या। अब गरीब आदमी है भाई, ये तो ना रोजी रोटी ले आ रहे, सब्जी ढो रहे हैं, कोई क्राइम थोड़ो कर रहे हैं। गरीबों का ख्याल रखा जाएगा। अरे तुम्हारे पास लाइसेंस क्या है, तुम सब्जी क्यों ढो रहे हो, ये तो सवारी वाली। अरे भाई कोई हम मर्डर थोड़ो करके आ रहे हैं, सब्जी ले रहा है भैया, काम कर रहे हैं, पैदा ले रहे हैं। क्या सर दोगुनी आय नहीं हुई, काम कमाई ज्यादा, दोगुनी नहीं बढ़ी अभी, नहीं बढ़ी है, क्या कहते हो, कमाई तो घट गई भैया, कमाई तो है नहीं, अब लोग परेशान हो रहे। अच्छे दिन आने आ गए मोदी सरकार में, आपके अच्छे दिन नहीं आए, अच्छे दिन आए आ गए ना, देखो अच्छे दिन आ गए, आप कह रहे हो अच्छे, इससे अच्छे दिन क्या हो रहे हैं, भटक 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 रहे हैं रोड पे, इससे अच्छे दिन क्या होंगे, रोड पे ट्रैफिक वाले परेशान कर रहे हैं। क्या कौन कह रहा नहीं है कमाई, अब तो नहीं है, महंगाई ज्यादा हो रही है और कमाई कम हो रही है। 80 करोड़ लोगों को वो राशन दे रहे हैं फ्री का, इससे खुश नहीं हो, जिसको दे रहे हैं पैसा वाले दे रहे हैं 80 करोड़ वाले को, गरीबों को तो कुछ नहीं मिला है, गरीबों को तो कुछ नहीं मिला है, खाली वो गरीबों के लिए तो है राशन, खा रहे हैं अमीर खा रहे हैं सब, गरीब क्या दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं, गाड़ी अमीर जाता भरवा लेता है, अब गरीब बेचारे पीछे लेन लगा के भगता रहता है। अब हमारे अब आवे नंबर गरीब जो होता है पैदा किस लिए होता है, मरने के लिए, ऐसा क्यों। अब ऐसे सरकार सोचना चाहिए, 1100 रुपए करके 200 रुपए कम कर दिए, तो बैनर लगवा दिए बड़े बड़े कि 200 रुपए कम कर दिए। भाई बढ़ाए किसने थे, हमने बढ़ाए थे क्या, कम कर दिए, बढ़ाए किसने थे, 200 रुपए कम करके तुमने कौन सा एहसान कर दिया भाई, 900 रुपए हम अभी भी दे रहे हैं। अच्छा आपको इस सरकार में कोई भी काम अच्छा नहीं लगा कि भाई ये काम अच्छे कर दिए। देखो अच्छे कुछ स्टेज में अच्छा हुआ है, लेकिन गरीबों के लिए हमें लगता है कुछ खास अच्छा नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ गरीबों के लिए, कुछ नहीं अच्छा हुआ, बाकी नाम ऊंचा किया है और देशों में नाम है भाई, वो सब तो मानते हैं, वो काम किया है, लेकिन गरीब आदमी का पेट भरेगा जब ही जिंदा रहेगा। देश भी एक अपनी चीज अपनी जगह सही है, लेकिन रोजी रोटी भी भाई जरूरी है। तो अब क्या लग रहा है मोदी जी फिर से वापसी करेंगे, अब ये तो भाई टाइम बताएगा, ये तो हम नहीं बता सकते हैं। हर हर मोदी घर घर मोदी, हाँ वो तो मोदी जाएगा, वजह मोदी काम अच्छा किया, अभी कह रहे हो कुछ नहीं किया, गरीबों के लिए नहीं हुआ लेकिन होगा, किसके लिए कराना चाह रहे हो, अमीरों के लिए कराना चाह रहे हो, अमीरों को कुछ नहीं करे, अमीर का हमें क्या लेना, हम तो गरीब है, देश के लिए अच्छा किया, क्या अच्छा किया, देश के लिए बहुत नाम किया, बताओ क्या, अरे बहुत किया है, कैसे, अबे जो 2020 खेल हुआ बहुत अच्छा नाम हुआ, खेल हुआ हाँ जी 20 वो क्या, उसमें बहुत फायदा हुआ हमारे देश का नाम हुआ, देश का हमारा नाम हुआ, अच्छा हाँ देश हमारा नाम हुआ, पहले नाम नहीं था, तो पहले इतना नहीं था, अब खूब हुआ, हम बहुत खुश हैं। अरे क्या चाचा, पहले से ही नाम में देश का, नहीं पहले इतना नहीं था, अब ज्यादा हुआ, और अच्छे काम बताओ, चलो हाँ बहुत किया, अच्छे काम करे, अभी मोदी आने दो फिर अच्छे काम होंगे, हर हर मंदिर बनवा दिया, हाँ हाँ खुश हो राम मंदिर, बहुत खुश हूँ, ये मुमडन है, मुमडन है ये, नहीं मैं जय श्री राम वाला हूँ, तो मोदी जी के आने से काम बढ़िया हुए हैं, देश का नाम हुआ है, हमें रोटी ना मिली लेकिन देश का नाम तो हुआ, देश का नाम क्या हो गए, अबे जब बहन को पेट को रोटी ना होगी तो भूखे मरोगे इंडिया में, कोई बात नहीं, देश मोदी फिर आना चाहिए, हर हर मोदी, क्यों पूछ रहे ना, हमारा देश का नाम हुआ है, हमारे देश का नाम खाली नाम ही हुआ है, नाम ही रहना चाहिए, गाड़ू जब जंग के ऊपर गोली लगेगी ना तो भूखे ही मरोगे, मिलेगा कुछ नहीं यहाँ पर, नाम तो देश के लोगों से होता है ना, तुम खुश होगे तो, हाँ हम तो खुश है, कह रहे हो हमें रोटी ना मोदी घर घर मोदी, हाँ हर हर मोदी घर घर मोदी, हाँ घर घर मोदी हर हर मोदी, अच्छा सब कुछ मिल रहा है, अभी कह रहे राशन हमारे लिए नहीं है, जो धक्के खाता हूँ मिलता है,
धक्के खाता हूँ तो फिर क्या फायदा हुआ ऐसे राशन का? धक्के तो खाते हैं, धक्के खाने का क्या फायदा हुआ? 25,000 का फोन लेकर राशन लेने जाते हो और 70,000 का गाड़ी लेकर फोन लेने जाते हो और बोलते हो मैं गरीब हूँ, फोन चाहिए, मुझे राशन कार्ड चाहिए, मुझे गरीबी राशन कार्ड बनाओ। ये कौन सी गरीब है बताओ? गरीब वो होता है जिसको शाम को रोटी ना जले, चूल्हा ना जले और शाम को रात को कमाए सुबह खाए, वो गरीब होता है। गरीबी का स्तर इतना नीचे लेके जाओगे तुम कि चूल्हा ही ना जले उसका, तब वही तो गरीब होता है। क्या बात है? मैं एक मिनट, मैं आपको देता हूँ गरीब। हाँ। मैं कह दूँ गरीब हूँ। हाँ। मैं कह दूँ गरीब हूँ। मतलब कपड़े जो पहनता वो गरीब नहीं होता? मेरे हाथ में 50,000 मोबाइल जिसके पास है वो गरीब नहीं होता? नहीं होता। फोन ले रहा है ये, एक सेकंड। मोदी सरकार, ₹5,000 मैंने दे रहा है, 50,000 का मोबाइल लाके ये तो बन गया लखपति, मैं करोड़पति बन गया। दो 5,000 रुपए देगा, 2,000 रुपए मैंने भर रहा हूँ उसका, करंट में लेके आया होगा तू। अबे जिगरा का माइनस तो करा सब कुछ, जिगरा क्या? तुमने माल कितने खरीदा सुबह? आरती को क्या रुपए दिया? किसान को क्या रुपए दिया? बेच के जभी तो देगा, अपने जेब से दिया, रुपया बता दे मुझे। ये बात तो है, बता। मैं 50,000 का माल ले चुका था, एक रुपया खाली नाम लिखवा दिया हूँ, एक दिन में दूँ, 10 दिन में दूँ, दूंगा तो मैं ही ना, उसमें 50,000 में 2,000 जरूर कमाऊंगा। तो इस देश में गरीब है कि नहीं है ये बताओ? भाई गरीब तो है, लेकिन मात्र 2% 1% है और बाकी दिखावे की गरीब। सरकार जो कह रही है वो झूठ बोल रही है? फिर मोदी जी झूठ बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं भैया? 80 करोड़ लोगों को वो राशन दे रहे हैं गरीबों को, लेकिन वो दे रहे हैं वो, हम जैसे, आप जैसे, इन जैसे बनकर कह रहे हो आप गरीब? गरीब नहीं हूँ मैं, बन के ले रहा हूँ। आप झूठे हो फिर? काहे के झूठे भैया? गरीब बन के ले रहे हो? मैं तो नहीं ले रहा हूँ, अभी तो कह रहे हो आप। हम जैसे बोला हूँ मैं, हम जैसे लोग बोला हूँ। हाँ, हमें आज तक राशन कार्ड है, किसी गवर्नमेंट जाके राशन की दुकान पे देख लो। सरकार को ये बात नहीं पता है? पता है क्यों नहीं, पर वो कहती है चलो खाने दो। जैसे हमें पता है कि हमारे भाई हो आप, आपके जेब में पैसा, कह रहे भैया मुझे 10 रुपए खिला दे, बोले ना आप 10 रुपए खिला दे। मैंने पता कि आपके जेब में भी 500 है, मैं ले चला, कोई बात ना भाई, जुबान डाल दे तो खिला देता हूँ। ये वाली बात हो रही है, खाने दो, सबको खाने दो। मोदी सबको खिलाना चाह रहे हैं, खाने दो, जो गरीब है वो भी खाओ, जो गरीब बन के ले रहा उसे भी खाने दो, कोई बात नहीं है, मुझे कोई दिक्कत ना हो इससे, ठीक है। फिर से मोदी सरकार, वो तो आएगी यार, 101% आएगी। कॉन्फिडेंस है भाई साहब, वजह 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 बहुत है। वजह जैसे हमारे सनातनी धर्म हिंदू, हाँ। देव सनातन हो गए, अब से है ये सनातन धर्म, ये तो बहुत जमाने से है, लेकिन किसी को पता नहीं था। 2014 के बाद पता चल गया, हमारा राम मंदिर पे कितना दिन से मुद्दा चल रहा था, एक मिनट। उससे पहले 2014 से पहले नहीं पता सनातन धर्म, तो फिर करंट पे क्यों नहीं आए तुम? लाने वाला कोई नहीं था, देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, अरे रुक जा मैं इनकी बात करूं। ये मंडी ना 2001 से बनी थी, लेकिन फैलाने वाला कोई नहीं था। फैलाने वाला कब हुआ? 2008 में फैलाया गया, जब इसका डंके के चोट पे। 2008 में मोदी जी थोड़ी थे, अरे मतलब एग्जाम्पल मैं दिया हूँ, 2014 में ही मंडी बनी है, लेकिन मैं एग्जाम्पल में दिया हूँ मैंने। 2014 में मंडी का बनी है, छोटी मंडी का, सादरे से 2002 के, 2002 में, 2 में आई है हमारे से यहाँ पर। मेरी बात सुनो, मेरी बात, सादरे में कैसे जाते थे आप? एक एक घंटा, एक घंटा मेरी गाड़ी खुद जाम में लगी पड़ी रहती थी, मुझे रास्ता नहीं मिलता था। आज हमारी हर रोड चौड़े हो गए हैं, प्रति 3 घंटे में ना एक भी रुकते। पहला मुद्दा तुमने बताया सनातन, वही हिसाब से पैसे भी तो जा रहा है हमारा। रुको तो भाई, सनातन तुमने पहला मुद्दा बताया, मोदी सरकार में कितनी किताबें लिखी गई है सनातन पे, ठीक है? देखो पता चल गया सनातन, सनातन धर्म तो है, लेकिन मैंने इतनी, मैंने उन मतलब इतने ऋषि मुनि, इतने जो महापुरुष थे सनातन धर्म के, वो कितनी बार बता के लिख के चले गए तो तुम्हें समझ में नहीं आया? अब ये कोई बात भी नहीं कर रहा तुम्हारे। रुक तो जा भाई, मैं मान लिया आपको, आपने पावरफुल आदमी हो, मैं आपसे नाजुक हूँ, मुझे पता है कि मैं ये काम कर सकता हहूँ, लेकिन आप मुझे दबाव डालोगे, आप मुझे दबाव डालोगे, प्रेशर डालोगे, तो मैं आपसे ऊपर उछलूंगा? नहीं उछलूंगा ना। पावरफुल कौन? पावर? अब मैं किसी का दुश्मन थोड़ी बनूंगा नाम लेके, ठीक है? आंकड़े गलत हैं भाई साहब, कभी नहीं गलत है, नहीं गलत है भाई साहब, अगर आपको नजर में हो सकता है। पावरफुल कौन होता है? जो ज्यादा होता है वो पावरफुल होता है, कम होता है वो पावरफुल होता है। आप तो भजा मुर्गा जाल के अंदर, काहे के फंसा यार? गलत सोच निकालो। मैं गलत सोच नहीं हूँ, मैं गलत वाली सोच कहा था इसमें,
सब सब हिंदुस्तानी हैं, सब देशवासी हैं। हिंदुस्तानी कुछ हैं, कुछ नहीं है। कुछ कहाँ सा? अभी तुम यहाँ पे कह दो पाकिस्तान जिंदाबाद। कुछ लोग कहते हैं, अरे रुको तो, कुछ लोग कहते हैं, मैंने सुनता अपने कानों से, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलता। चल भैया उसकी मर्जी है, मैं तुम्हें तो बोलना चाहिए, तुम तो कह रहे हो पावरफुल आदमी मैं हूँ। मैंने जैसे बोला हूँ, अपने को नहीं बोला, हम जैसे लोग बोला हूँ यार, मुझे क्यों लोग दुश्मन बनाओगे यार? नहीं नहीं, हम जैसे एक मिनट, आप मीडिया वाले तो हम भी हम कम हो तू नहीं बोले सब हम अपने से नहीं बोले, हम जैसे लोग बोला हूँ, हम अपने ऊपर कभी नहीं लिया। सीखने के लिए आ रहे नहीं, हम अपने जैसे बोलो, हम जैसे ना 10 बंदे खड़े हो जाएं तो क्या करेंगे, पावरफुल हो जाएगा। एक बंदे पे हमेशा पाओ ताकत, पावरफुल से कोई मतलब नहीं है इस देश में। देखो संविधान लागू है, सबको बराबरी का अधिकार है, किसी के 1% आबादी है उसको भी उतना ही अधिकार है, किसी के 99% आबादी है उसको। लागू था लेकिन संविधान को दबाने वाले भी तो हैं।